गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस हियर इज द एक्सरसाइज 11D बेस्ड ऑन पॉलीगन्स एंड ट्राइंगल। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉस द शेप्स दैट आर नॉट पॉलीगन्स, जो शेप्स पॉलीगन्स नहीं हैं। सो दिस शेप देखिए, इसमें कर्व्ड है तो ये कवर्ड, बट ये शेप कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉलीगन। एंड बी, ये सब स्ट्रेट लाइन्स हैं एंड मोर देन कितना होना चाहिए, कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए और इसको कवर्ड होना चाहिए, कवर्ड भी है और कोई भी इसमें कर्व शेप में नहीं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलीगन। एंड दिस इज, ये देखिए आप, ये कवर्ड तो है बट इसमें कर्व शेप है, सो ये भी पॉलीगन नहीं है। ये इसमें स्ट्रेट लाइंस हैं, ये पॉलीगन है एंड दिस इज ऑल्सो पॉलीगन। तो कौन कौन से नहीं हैं, नॉट पॉलीगन्स, दिस वन एंड दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एंगल्स, जिसमें अब नंबर ऑफ साइड्स को हम एस से मार्क कर रही हैं एंड नंबर ऑफ एंगल्स को ए से। एंड अब कंक्लूजन वन इज डन फॉर यू। देखिए आप, तो इसमें हमारी साइड्स कितनी है, 1, 2, 3, तो साइड्स कितनी हो गई, 3। एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो कितने एंगल्स हैं, 3। अब बी पार्ट में देखिए आप, कितनी साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4। सो एस में हम क्या फिल करेंगे, 4। एंड एंगल्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, सो एंगल्स आर ऑल्सो 4। यू कैन डू दिस बाई योर सेल्फ, साइड्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड एंगल्स आर ऑल्सो 1, 2, 3, 4, 5। इसमें देखिए आप, ये आप सेल्फ आप कर लेंगे। ओके, और आपको ये कंप्लीट करना है बुक में भी, नोटबुक में भी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स रिक्वायर्ड टू मेक अ पॉलीगन। मिनिमम मीन कम से कम कितनी साइड्स होनी चाहिए। देखिए, अगर हम ये देते हैं 2 साइड्स, तो ये कवर्ड नहीं है, ये क्लोज होना चाहिए फिगर। अब ये क्लोज हो गया, तो कम से कम कितनी साइड्स होनी चाहिए, 3 साइड्स होनी चाहिए, किसके लिए, पॉलीगन मेक करने के लिए। नेक्स्ट इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। आपको मैंने एग्जाम्पल में भी कराया था इसका, आपको एंगल, सपोज ये है एंगल ए, एंगल बी, हम इसको नेम देते हैं एंगल ए एंड दिस इज़ एंगल बी एंड दिस इज़ एंगल सी। तो हम कैसे ये फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपके एग्जाम्पल की तरह हम करते हैं। वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको क्या दिया हुआ है, जो दिया होता है उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ गिवन दैट, इट इज़ गिवन दैट। इसमें आपको, हमने इसको अपने यहाँ मार्क किया है एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल टू, कैसे हमें ये फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे एंगल सी, पहले हम इन दोनों का सम प्लस करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल सी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम करेंगे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, 90 डिग्री। सो इसी की तरह आप, ये हमारा कौन सा सम है, सम नंबर 4th का 1। लाइक इसी की तरह आप बी एंड सी पार्ट भी करेंगे। समझ आ गया होगा आपको, देखिए एंगल ए हमें गिवन है, एंगल बी गिवन है और एंगल सी हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सम ऑफ, सम मीन प्लस, जो दोनों का एडिशन करके जो आएगा वो 90 डिग्री। इसी की तरह आप पार्ट बी एंड पार्ट सी को नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैन अ ट्राइंगल हैव दीज साइड्स लेंथ्स। तो आपको ये भी हमने एग्जांपल के थ्रू बताया था, क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए साइड्स कैसे गिवन है हमें, ए सम में 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसमें हम कैसे करेंगे,
फोर प्लस सेवन हमारा टू साइड्स का एडिशन वन साइड से मोर देन होना चाहिए, तो सेवन प्लस फोर इलेवन मोर देन थ्री। ओके नेक्स्ट हम देखेंगे फोर प्लस सेवन हो गया हमारा, नेक्स्ट हम करेंगे सेवन प्लस थ्री इज मोर देन फोर, ये भी हमारा राइट है। अब नेक्स्ट हम करेंगे फोर प्लस थ्री और ये कितना है हमारा सेवन, तो हमारा ये इक्वल जा रहा है बट ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा मोर देन होना चाहिए। मीन्स सेवन से अगर ये दोनों साइड ज़्यादा होती तो ये ट्राइंगल पॉसिबल था, नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा आंसर क्या होगा, कैन अ ट्राइंगल हैव दिस साइड लेंथ, नो। इसमें क्या हम करेंगे, नो। नेक्स्ट आपको मैं करा रही हूँ बी पार्ट, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फाइव सेंटीमीटर, सिक्स सेंटीमीटर एंड सेवन सेंटीमीटर एंड सेवन सेंटीमीटर। तो देखिए फाइव प्लस सिक्स मोर देन सेवन, ये आपका ठीक है। इसमें आप सी एम करेंगे सभी में, यहाँ भी सी एम, यहाँ यहाँ सारा आप सी एम करेंगे। ओके यहाँ देखिए आप सिक्स प्लस फाइव इलेवन इज मोर देन सेवन, एंड नाउ फाइव प्लस सेवन सेंटीमीटर इज मोर देन सिक्स सेंटीमीटर, एंड नेक्स्ट सिक्स प्लस सेवन, सिक्स सेंटीमीटर प्लस सेवन सेंटीमीटर इज मोर देन फाइव सेंटीमीटर। तो आप तीनों में देख रहे हैं इसे मोर देन आ रहा है, सो दिस इज दिस ट्राइंगल कैन बी मेड, सो हेयर इज येस। इसी को देखते हुए आप सी पार्ट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका व्हाट स्पेशल नेम इज गिवन टू अ पॉलीगन ऑफ सेवन साइड्स एंड टेन साइड्स। सेवन साइड्स के जो साइड्स होती हैं जिसकी जो फिगर जो पॉलीगन सेवन साइड्स होती हैं जिसकी, उसे क्या बोलते हैं, हेप्टागन। सो ऑल दिस सम्स यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, एंड टेन साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं, डेकागन। ये आपको पॉलीगन में पहले भी करा दिया गया एग्जाम्पल में। नाउ सेवन सम, रीड ईच स्टेटमेंट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एंगल्स रिप्रेजेंट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का हो उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। सो यहाँ देखिए 90 डिग्री का, इसमें है 90 डिग्री का, सो दिस इज राइट। इसमें कोई भी 90 डिग्री का नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, सो राइट ऑप्शन इज वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ साइड्स रिप्रेजेंट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस में टू साइड सेम होती हैं, यहाँ देखिए इसमें टू कोई भी साइड सेम नहीं है, यहाँ भी कोई सेम नहीं है, बट यहाँ पर थ्री साइड सेम है, इसे हम इक्विलेटरल भी बोल सकते हैं और आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है, टू साइड्स हैविंग सेम साइड्स, तो ये हमारा इक्विलेटरल भी है एंड आइसोसेलेस बोथ, तो ये हमारा राइट है। सी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ टू ऑफ इट्स साइड्स 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल में अभी आपको बताया था कि थ्री साइड्स सेम होती हैं, तो 10 10 नेक्स्ट भी क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड, वो भी क्या होना चाहिए, 10। ओके एंड ये स्टूडेंट्स आपको ये ए बी एंड सी आपको यहाँ डॉट्स पर बुक में ही मेक करना है, डोंट डू दिस सम इन नोटबुक एंड डू सम नंबर 1 to 7 इन योर बुक। ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम्स। Thank you, students.